आगरा में चिकित्सकों के महाकुंभ 2020 का आगाज हो गया है। यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने इस महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए 2,20,000 डॉक्टरों की आवश्यकता है। फिलहाल 65,000 चिकित्सक हैं, अभी 1,55,000 चिकित्सकों की कमी है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय सहित प्रदेश में खुल रहे नए 30 मेडिकल कॉलेजों से चिकित्सकों की कमी दूर की जा सकेगी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने के साथ ही निजी चिकित्सकों से भी चिकित्सा शिक्षा में मदद की अपील की। पैरा मेडिकल और बीएससी नर्सिंग को एक ही विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाएगा। इस प्लैटिनम जुबली के अवसर पर जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई, मैं उससे अच्छे परिणाम की उम्मीद करता हूँ। साथ ही साथ वर्तमान जो एलोपैथिक चिकित्सा जहाँ तक पहुँची है, वो इन तमाम जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, तमाम खोजों का परिणाम है। इसी प्रकार से जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे कुपोषण हो या दिमागी बुखार हो, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें और खोजों की आवश्यकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में और अधिक बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। साथ ही साथ हम लोगों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड ज़्यादा एथिकल हो। समाज के लोग डॉक्टर से ये उम्मीद करते हैं कि वी शुड बी मोर संवेदनशील एंड एथिकल। तो ये एथिकल एटीट्यूड ज़्यादा हो, इसके ऊपर हम विशेष रूप से बल देते हैं। सर, आपने एक बात और कहा था कि डॉक्टर्स की कमी है, उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास? उसके लिए हमने 1947 से लेकर 2016 तक 13 मेडिकल कॉलेज राजकीय क्षेत्र में थे। इस पीरियड में 30 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, एंड यू शुड ऑल ऑफ यू शुड अप्रिशिएट इट। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने JNU प्रकरण के सवाल पर कहा कि विपक्ष छात्रों को भड़का रहा है, CAA से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बच्चों की मौत हो रही है और विपक्ष यूपी में CAA को लेकर चिंतित है, यह अच्छी राजनीति नहीं है। एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इस बात पर बल दिया था। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, किसी माइनॉरिटी के कुछ खिलाफ नहीं है, किसी अल्पसंख्यक का कोई अधिकार नहीं छिन रहा, किसी मुसलमान के खिलाफ कुछ भी नहीं है। लेकिन जो विपक्ष का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है, कांग्रेस, सपा और बसपा ने गलत प्रचार करके, गलत अफवाह फैलाकर इसमें माइनॉरिटीज को भ्रमित किया है। हम उनसे अपील करते हैं कि वो लोग इस बिल को पढ़ें और किसी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष लगातार राजस्थान को लेकर के बच्चों के, तो उसकी लगातार अपने यहाँ राजनीति गरमाई हुई है यूपी में, उस पर क्या कहना चाहते हैं? उनको ये कहिए कांग्रेस के लोगों को कि कोटा देखें, राजस्थान देखें, जिनके अपने महल शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। वहीं इस मौके पर आगरा से सांसद SP सिंह बघेल भी मौजूद रहे। SP सिंह बघेल ने कहा कि कॉन्फ्रेंस से अर्जित ज्ञान मानवता के काम आएगा। जो शोध किया है उससे ये शहर लाभान्वित होगा और इस सेमिनार के बाद, इस सम्मेलन के बाद जो अमृत निकलेगा वो पूरे देश के काम आएगा, गरीबों के काम आएगा और मरीजों के काम आएगा। इसलिए मैं बच्चों को लेकर भी आपने कुछ बात कही है कि हॉस्टल्स को लेकर। हाँ, मैंने कहा SN मेडिकल कॉलेज का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। 1854 का स्कूल था, बाद में वाटसन कॉलेज हुआ, बाद में SN वो हुआ। हमारा वो इतिहास था कि आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, कासगंज, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, भरतपुर, धौलपुर के मरीज आते थे। आज हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे एज ए MP, आगरा के MP के रूप में, जब सवाई मानसिंह के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ती है, ये मेरे लिए घोर कष्ट की बात होती है। तो हम अपने SN का वही, क्या हमारी फैकल्टी हुआ करती थी, मैंने डॉक्टर्स, चिकित्सकों का नाम लिया है, तो हम आपके वादा करते हैं, क्योंकि चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री थे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, तो वो जो घोषणा करेंगे वो फाइनेंस की फाइल भी उनको ही करना। भारत सरकार ने 900 करोड़ रुपए देके सुपर स्पेशलिटी का हमारा काम हो रहा है, राज्य सरकार से भी बहुत सारा मिल रहा है, लेकिन हमारी भूख जारी है। आपको बता दें कि APCON में 30 देशों के 12,000 से अधिक चिकित्सक शामिल होने के लिए आगरा आए हैं। विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न बीमारियों पर 1,000 से अधिक व्याख्यान दिए जा रहे हैं। मेडिकल विद्यार्थियों द्वारा 1,200 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पंजाब केसरी TV के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।